बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम जिलानी। आप देख रहे हैं स्पाई वर्ल्ड टेक। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेलप्स एंड लेबल्स। इन्वेलप्स और लेबल क्या चीज़ होती हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, आपने किसी को कोई मेल करनी है या कोई पोस्ट करनी है, तो पोस्ट करने के लिए दो एड्रेस का होना ज़रूरी है। एक वो जिसको आप भेज रहे हैं उसको टू बोलते हैं, और जो भेज रहा है वो फ्राम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को मेल भेजनी है तो उसके लिए हमें एक इन्वेलप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्वेलप्स के लिए कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं इन्वेलप्स। इन्वेलप्स पर क्लिक करते हैं जी। फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ जिस चीज़ को भेजना है उसका एड्रेस लिखें। डिलीवरी एड्रेस यहाँ दो तरह के होते हैं। डिलीवरी मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जिसको हम टू बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में वो एड्रेस होता है जो भेज रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम, ठीक है ना। रिटर्न एड्रेस इसलिए बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मेल एग्जैक्ट एचपीएल ब्रांच तक नहीं पहुंची किसी वजह से, तो आपकी ब्रांच, आपकी जो मेल है वो रिटर्न हो जाएगी आपके इसी एड्रेस पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब इसको ओपन करता हूँ और ये देखें इसने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। और नीचे यही आ गया बैरियर फाउंडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये मेरे पास दोनों एड्रेस आ गए हैं, डिलीवरी एड्रेस भी आ गया है और रिटर्न एड्रेस भी हो गया। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। हम ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाके हम ये पूछता है कि हम इसके साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इन्वेलप का साइज़ ये जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 6, 3 और 4 होता है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें फिलहाल कर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रिंटिंग ऑप्शन जी। देखें फ्रेंड्स, इन्वेलप के दो फेस होते हैं, एक को फेस अप बोलते हैं और एक को फेस डाउन। वो फेस जो बैक साइड पर होता है, जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है उसको फेस अप बोलते हैं, और जो बैक जिस तरफ से हम इन्वेलप को ओपन करते हैं उसे फेस डाउन बोलते हैं। यह फेस अप के भी 6 मेथड हैं, मतलब किस तरीके से आपने उनको प्रिंट करवाना है, और फेस डाउन के भी 6 मेथड हैं जिस किस तरीके से आपने उसको इन्वेलप को प्रिंट करवाना है, ठीक है। आप यहाँ से जिस मर्जी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तब आपकी प्रिंट की कमांड जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है, इसको आप ओके फास्ट किया, मैं इसको फेस अप वाले को इसको क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले को, मतलब मेरा जो पेपर आएगा वो इस तरीके से आएगा, और फेस डाउन में भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ इस तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ आएगा आपका टू वाला एड्रेस, जिसको जो भेज रहा है और जिसको जाना है वो एड्रेस यहाँ आएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी एड्रेस, आपका यहाँ आएगा। अब यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं ऐड अ डॉक्यूमेंट करता हूँ, यस। अब ये देखें, ये ऐसे आ रहा है कि भेज कौन रहा है, बैरियर फाउंडेशन कॉलेज गोरी टाउन कैंपस भेज रहा है, और किसको भेज रहा है, दी मैनेजर एचपीएल ब्रांच वाले को भेज रहा है। लेबल्स में क्या चूज, अगर किसी बंदे ने हमने एचपीएल को बार बार मेल करनी होती है तो हम इनका यहाँ से लेबल बना लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके, और ये देखें लेबल बन गया है, ठीक है। मतलब बजाय बार बार हमने प्रिंट करने के, हमारे पास एक ही ऑप्शन आ जाता है कि हम उसको बार बार एक ही दफ़ा बना के हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।